देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर द क्यूब ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का रूट्स क्यूब में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ऐसा इक्वेशन फाइंड कीजिए। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन, इक्वेशन फाइंड करना है कि जो ये जो गिवन इक्वेशन दिया हुआ है उसका रूट्स क्यूब में ट्रांसफॉर्म हो जाए। इससे पहले हम स्क्वायर का करवा चुके हैं, क्यूब का भी करवा चुके हैं, लेकिन वहाँ पे एक्स क्यूब का करवाए थे, एक्स टू द पावर फोर का नहीं करवाए थे। एक्स टू द पावर फोर का थोड़ा सा लेंथी होगा। ठीक है, तो चलिए इसका देखते हैं सॉल्यूशन पेशेंस के साथ। देखिए क्या है कि द गिवन इक्वेशन जो हमारा है, द गिवन इक्वेशन इज क्या है कि ये है एक्स टू द पावर फोर माइनस टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। इसको इक्वेशन हम वन कंसीडर कर लेते हैं। देन लेट द ट्रांसफॉर्म इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो ये हमारा x में दिया हुआ है तो हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं y में, तो ट्रांसफॉर्म बी इन y में कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्म हम y में कर लेते हैं। ठीक है, तो y में ट्रांसफॉर्म जैसे ही करेंगे तो देन द रिलेशन क्या हो जाएगा, देन द रिलेशन रिलेशन ऑफ x एंड y का जो रिलेशन हो जाएगा आर, देखिए x एंड y का रिलेशन क्या होगा कि y इक्वल टू एक्स क्यूब। ये कैसे हुआ, क्योंकि ये क्यूब में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हम, इसलिए y इक्वल टू एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसका रूट्स होगा तो x का कुछ तो, ये जो गिवन इक्वेशन है तो उसमें कुछ तो रूट्स होगा, तो मान लेते हैं x, तो ये हमारा एक्स क्यूब में हो जाएगा y में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर स्क्वायर में रहता है तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाता है। तो चलिए इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, वाई क्यूब इक्वल टू सॉरी एक्स क्यूब इक्वल टू वाई लिख सकते हैं। देखिए वाई इक्वल टू एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब इक्वल टू वाई, इसको इक्वेशन हम टू कंसिडर कर लेते हैं। अब क्या करना है कि ये इक्वेशन को वैल्यू यहाँ तो पुट करेंगे, लेकिन जैसे ही यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए x वाला टर्म बहुत सारे हैं, ये x क्यूब का ही वैल्यू है, तो यहाँ पे एक पुट होगा और एक यहाँ पे पुट होगा, यहाँ भी x बचेगा, एक्स स्क्वायर यहाँ भी x बचेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इक्वेशन वन को थोड़ा सॉल्व करके फिर ले आते हैं, फिर पुट करते हैं। ठीक, देन देखिए नाउ फ्रॉम वन तो वन से हमारे पास क्या मिलता है कि एक्स टू द पावर फोर रहने देते हैं, एक्स टू द पावर फोर और यहाँ पे पॉजिटिव वाला टर्म टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये जो नेगेटिव टर्म है हम उधर भेज देते हैं टू एक्स क्यूब और माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं कि एक्स कॉमन आउट कर लेते हैं दोनों से, तो एक्स जैसे ही कॉमन आउट करेंगे तो क्या होगा, ये टर्म जो हमारा है एक्स क्यूब प्लस टू में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे बचेगा, एंड देन माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू ये टू एक्स क्यूब माइनस वन, ये टर्म हो गया। ठीक है, तो इसको इक्वेशन हम थ्री कंसिडर कर लेते हैं, इक्वेशन थ्री। देन देखिए क्या होगा कि ये जो हमारा है टर्म्स, इसको हम क्या कहते हैं टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स, क्यूब जैसे ही लेंगे हम तो क्या होगा कि एक्स क्यूब वाले टर्म्स में ज्यादातर आ जाएंगे और फिर हम वैल्यू पुट करके हम इजीली वहां से वाई में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक, तो लिखते हैं नाउ टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स, क्यूब लेते हैं तो क्या होगा कि क्यूब जो लेंगे तो ये हॉल का क्यूब हो जाएगा, मीन्स एक्स एक्स क्यूब प्लस टू और माइनस एक्स स्क्वायर, इसका ये हमारा हॉल क्यूब होगा। ठीक, और यहाँ पे देखिए टू एक्स क्यूब माइनस वन, इसका भी ये हमारा हॉल क्यूब हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि ए प्लस बी का हॉल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का हॉल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, नहीं पता तो यहाँ पे देखिए कि क्या होता है फॉर्मूला, देखिए ये हमारा a प्लस बी का ये हॉल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, ये होता है एक फॉर्मूला। ठीक, और इसी चीज को हम लिख सकते हैं क्या कि ए क्यूब प्लस बी क्यू प्लस देखिए थ्री ए बी दोनों से कॉमन आउट करते हैं तो थ्री ए बी और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस, ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। अब यहाँ क्या करना है कि a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हमें यहाँ पे पुट करना है, तो a माइनस बी का देखिए a माइनस बी का होल क्यूब, तो इसमें क्या हो जाता है कि a क्यूब होता है माइनस बी क्यूब होता है और यहाँ पे पॉजिटिव टर्म हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा कि थ्री एक्चुअली में ए बी स्क्वायर और यहाँ पे माइनस थ्री ए स्क्वायर बी, तो देखिए यहाँ से भी कॉमन आउट कर सकते, थ्री ए बी कॉमन आउट हो जाएगा, तो देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब और देखिए माइनस हम थ्री ए बी कॉमन आउट करते हैं थ्री ए बी। ठीक है, तो थ्री ए बी कॉमन आउट किए तो यहाँ पे ए माइनस बी बचेगा,
तो ये देखिए ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं या फिर ये यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं और ये दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं, ठीक। दोनों सेम ही होता है क्योंकि यहाँ पे कॉमन आउट ऑनली फॉर कर लिया गया है। तो देखिए ये जो फॉर्मूला है तो हम ये फॉर्मूला चलिए यूज कर लेते हैं यहाँ पे, ए माइनस बी हमारा टर्म है तो ए माइनस बी का होल क्यूब है ना, तो ये फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं, ठीक। तो देखिए इसका बेनिफिट क्या होने वाला है, ए क्यूब पहले तो एक्स क्यूब हो जाएगा और एक्स क्यूब प्लस टू का ये देखिए हमारा होल क्यूब हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ए क्यूब, फिर देखिए यहाँ पे क्या है कि माइनस बी क्यूब, ठीक है, तो माइनस बी क्यूब मीन्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स टू द पावर सिक्स हो जाएगा ये टर्म हमारा, क्योंकि इसका क्यूब करेंगे तो पावर क्या होता है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है, इसी का पावर डालेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो गया तो एक्स टू द पावर सिक्स हो गया। फिर देखिए थ्री ए बी मीन्स माइनस थ्री ए बी, यहाँ पे फॉर्मूला में माइनस थ्री ए बी तो थ्री, और ए और बी मीन्स क्या कि देखिए एक्स एक्स क्यूब प्लस टू और बी है एक्स स्क्वायर, ये टर्म हो गया। देन अब क्या कि a माइनस बी है, मीन्स a वाला टर्म हमारा ये है और b वाला टर्म हमारा a है, तो x x cube प्लस टू ये हमारा हो गया a, ठीक, और माइनस b मीन्स माइनस x स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज, ये टर्म हो गया हमारा टूट गया, ठीक है। एंड देन ये वाला टर्म को हम एज इट इज रखते हैं, टू एक्स क्यूब माइनस वन का ये हमारा होल क्यूब, ठीक है। देन देखिए अब क्या होगा कि ये वाला टर्म जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, क्या ये टर्म यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखिए देखिए x इंटू है यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस टू माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पे x x क्यूब प्लस टू, देखिए यहाँ पे सेम है माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस जगह पे क्या हम ये वैल्यू नहीं पुट कर सकते, ये दोनों तो आपस में इक्वल है तो इसीलिए तो ये वैल्यू हम यहाँ पे इजिली पुट कर सकते हैं यहाँ पे, तो वही हम लिख रहे हैं क्या, देखिए ये टर्म हमारा एक्स क्यूब और एक्स क्यूब प्लस टू एज इट इज माइनस सिक्स सॉरी माइनस एक्स एक्स टू द पावर सिक्स माइनस यहाँ पे देखिए थ्री, और ये टर्म है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा, ये हमारा एक्स क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस टू हो जाएगा, ठीक। और ये टर्म को कम्प्लीटली हम क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारा ब्रैकेट वाला टर्म है यहाँ पे लिख सकते हैं ये वाला टर्म टू एक्स क्यूब माइनस वन, तो वही हम लिखेंगे क्या कि टू एक्स क्यूब माइनस वन, देखिए और ये ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू क्या टू एक्स क्यूब माइनस वन का ये हमारा होल क्यूब। देखिए अब जितने भी टर्म्स हमारे x वाले सारे हमारे x क्यूब में आ चुके हैं, x क्यूब देखिए x टू द पावर 6 मींस क्या x क्यूब लिख सकते हैं, इसको x क्यूब क्यों लिख सकते हैं, देखिए x क्यूब, तो जब बेस सेम हो तो पावर ऐड होता है तो ये x टू द पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। देखिए बेस सेम रहता है तो पावर ऐड होता है तो ये हमारा सेम हो जाएगा, तो फिर देखिए फाइनली इसका सॉल्यूशन कैसे होता है, यहाँ तक हम आ चुके हैं, ठीक है। देन देखिए यहाँ पे जो हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, अब ये वाला जो टर्म है इक्वेशन, तो इसको इक्वेशन हम फोर कंसीडर कर लेते हैं, इसको इक्वेशन हम फोर कंसीडर कर लेते हैं, देन वैल्यू यहाँ पे पुट करने वाले हैं, लिखते हैं नाउ सब्स्टिट्यूटिंग, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ किसका वैल्यू पुट करना है, एक्स क्यूब का, तो x क्यूब फ्रॉम कहाँ से, 2 से इन किस में 4 में वी गेट, देखिए यहाँ पे x क्यूब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा y हो जाएगा टर्म, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा कि x क्यूब वैल्यू पुट करेंगे तो y प्लस टू इसका ये हमारा यहाँ पे होल क्यूब था क्या, यहाँ पे होल क्यूब था शायद, तो ये हमारा होल क्यूब यहाँ पे छूट गया था, देखिए ये होल क्यूब था, ठीक है। एंड देन फिर यहाँ पे क्या x टू द पावर 6 मीन्स क्या कि x क्यूब तो x क्यूब क्या हो जाएगा हमारा, ये y स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस y स्क्वायर, फिर देखिए यहाँ पे माइनस थ्री और यहाँ पे x क्यूब मीन्स हो जाएगा हमारा y और ये टर्म भी x क्यूब है तो y प्लस टू, ये टर्म हो गया हमारा, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में होता है, ये टर्म हो गया हमारा, ठीक। एंड देन देखिए टू एक्स क्यूब मीन्स क्या होगा, टू वाई माइनस वन ये हमारा टर्म हो गया, देन इक्वल टू यहाँ पे 2y माइनस 1 का ये हमारा होल क्यूब, ये टर्म हो गया हमारा, लिख दीजिए।
ये हो गया हमारा टर्म, ठीक है, इस y में ट्रांसफॉर्म हो गया, यहाँ पे कहीं भी x नहीं है, तो y में ट्रांसफॉर्म करना था तो y में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, जैसे a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस बी का देखिए होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे और a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, तो ये y वाला टर्म है तो y बाहर ही रहेगा, ठीक, और यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं, तो a क्यूब यहाँ पे y क्यूब लिखते हैं प्लस b क्यूब मीन्स हो जाएगा 2 का क्यूब मीन्स 8, फिर क्या करते हैं कि 3ab ले लेते हैं, वही वाला यूज कर लेते हैं, 3 इंटू वाई इंटू 2 और y प्लस 2, फिर ये हमारा टर्म क्लोज, इसको हो गया, फिर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस 3 यहाँ पे है, और ये टर्म को क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो y पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2y हो जा रहा है, ये टर्म हो गया एक, और 2y माइनस 1 हो गया सर सेकेंड टर्म इक्वल टू, देखिए ये a माइनस बी का होल क्यूब में इसको तोड़ लेते हैं, ठीक है, तो a माइनस बी का होल क्यूब में तोड़ेंगे तो क्या होगा कि a क्यूब होगा सबसे पहले, तो 8y यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस बी क्यूब, तो माइनस बी क्यूब मीन्स क्या होगा माइनस 1 ही हो जाएगा, क्योंकि माइनस 1 का हम अगर 1 का क्यूब कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि 1 ही हो रहा है, अरे माइनस, देन फिर क्या करेंगे कि 3ab लिखते हैं माइनस 3ab 2y इंटू 1, ठीक है, एंड देन फिर क्या कि ये हमारा टर्म होता है a माइनस बी मीन्स 2y माइनस 1, ये हो गया हमारा, तो ये कम्प्लीटली टूट चुका है, अब इसको सिंपली सॉल्व करना है, तो देखिए ये टर्म जो हमारा है यहाँ पे, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं y क्यूब प्लस 8 प्लस यहाँ पे देखिए 6 y हो जाएगा और y प्लस 2 हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 3 है, और देखिए ये टर्म क्या होगा कि वाई स्क्वायर एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, वाई स्क्वायर एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, तो वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या 2y क्यूब नहीं हो जाएगा, 2y क्यूब हो गया, और माइनस यहाँ पे वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पे देखिए 2y एक बार इससे मल्टीप्लाई मीन्स क्या कि 4y स्क्वायर और एक बार इससे माइनस 2y, ये टर्म हो गया हमारा, ठीक, देन फिर यहाँ पे देखिए क्या होगा कि 8y क्यूब है माइनस 1 है और यहाँ पे माइनस देखिए यहाँ पे 3 इंटू 2 6, तो दिस इज 6y हो जाएगा इंटू 1 है यहाँ पे और 2y माइनस 1, ये टर्म हो गया हमारा, ठीक, एंड देन अब क्या करते हैं कि ये देखिए 6y है तो एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर से मल्टीप्लाई, तो लिख देते हैं y क्यूब प्लस 8 प्लस यहाँ पे देखिए 6y स्क्वायर प्लस यहाँ पे 12y माइनस वाई स्क्वायर है, माइनस यहाँ पे क्या कि 3 बाहर में है, ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई कर माइनस 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं सबसे, ये टर्म से ब्रैकेट से बाहर ले आते हैं, तो माइनस 3 इंटू 2 जैसे 6y क्यूब माइनस माइनस प्लस 3y स्क्वायर फिर माइनस माइनस प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 12 हो जाएगा, दिस इज 12y स्क्वायर और ये पॉजिटिव टर्म 6y इक्वल टू देखिए 8y क्यूब माइनस 1 और यहाँ पे माइनस क्या होगा कि 12y स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 6y, ये टर्म हो गया हमारा, ठीक, देन फिर देखिए ये जो y है तो सारा से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे देखिए y टू द पावर 4 हो जाएगा ये और यहाँ पे प्लस 8y प्लस यहाँ पे 6y क्यूब होगा और यहाँ पे प्लस 12y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 6y क्यूब और यहाँ पे प्लस 3y स्क्वायर माइनस 12y स्क्वायर प्लस 6y और ये जो हमारा RHS में है उसको LHS में ले आते हैं तो क्या होगा माइनस 8y क्यूब होगा, ठीक है, और यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा प्लस 12y स्क्वायर और ये माइनस 6y इक्वल टू ये हमारा 0 हो गया, फाइनली देखिए यहाँ तक आ गया, ठीक, देन अब क्या होगा कि x टू द पावर 4 वाला देखिए कितना है, x टू द पावर 4 वाला ओनली फॉर 1 है तो ये हमारा x टू द पावर 4 ही हो जाएगा सिंपली, तो x टू द पावर 4 ही मिल सकता है, सॉरी y टू द पावर 4, y टू द पावर 4 वाला टर्म्स 1 है तो y टू द पावर 4 हो गया, देन फिर क्या कि क्यूब वाला देखिए तो क्यूब यहाँ पे है तो ये हमारा तो कैंसिल आउट हो गया क्यूब क्योंकि 6y क्यूब है और यहाँ पे माइनस 6y क्यूब है ये कैंसिल आउट और यहाँ पे एक क्यूब बच गया है, ठीक, तो माइनस यहाँ पे क्या होगा कि 8y क्यूब 24 बचा, देन
ठीक है, स्क्वायर वाला देखिए, अब स्क्वायर वाला टर्म्स यहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म्स थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 12 देखिए, वाई 12y² और 12y², ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया। अब वाई स्क्वायर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे है 12 और 3 15 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और 15 में 1 यहाँ पे माइनस हो जा रहा है, ठीक, तो क्या हो रहा है यहाँ पे 14 हो जाएगा, तो 14y². अब हमें y वाला टर्म्स देखना है, तो y वाला टर्म्स देखते हैं, तो y यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे है y, यहाँ पे है और y यहाँ पे भी है, तो ये हमारा कैंसिल आउट होता है, क्योंकि पॉजिटिव है नेगेटिव, ये हमारा कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो y वाला टर्म्स ओनली फॉर ये बच रहा है, तो प्लस 8y। अब देखिए कि कोई टर्म्स है ऐसा जो कि हमारा छूट गया हो या फिर 1 ओनली फॉर 1 है, तो प्लस 1 इक्वल टू 0। तो फाइनली ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन। एक बार हम चेक कर लेते हैं, मिला लेते हैं, क्या होगा, वाई टू द पावर 4 माइनस 8y³ और 14y² प्लस 8y प्लस, हाँ सही है, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया, हमें यही फाइंड करना था, ठीक है। तो ये हमारा फाइंड हो चुका है, उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया हो कि वाई टू पावर सॉरी एक्स टू पावर 4 वाला ये वाला टर्म्स अगर रहे तो थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन इजी होगा फाइंड करना, जब आपको फॉर्मूला याद होगा तो।